कि चुनाव गुजर गया और चुनाव के गुजरने के बाद भी मुसलमानों के इश्यूज उठाने में नाम लेने में डरते हैं। लिंचिंग हो गई सहारनपुर में, लिंचिंग हो गई अलीगढ़ में, लिंचिंग हो गई मध्य प्रदेश में, जातियां हो रही हैं, बुलडोजर चल गए लखनऊ के अंदर। जिनको आपने वोट दिया किसकी जबान खुली? किसी मामूली वर्कर के बोलने से कुछ नहीं होता। अखिलेश बोले नहीं, राहुल गांधी बोले नहीं। मुसलमानों से दूरी बनाने के लिए साय तक से आपने परहेज किया। मुलायम सिंह ये कहते थे कि मुसलमान जाएगा कहां, ये बात लालू प्रसाद कहते थे कि मुसलमान जाएगा कहां, अब कांग्रेसी भी ये कह रहे हैं कि मुसलमान जाएगा कहां। इनकी परवाह कौन करता है कि हमको ये बताना पड़ेगा कि हमारे इश्यूज के लिए अगर आप नहीं बोलेंगे तो हम हरियाणा में आपकी मुखालफत करेंगे, हम महाराष्ट्र में आपकी मुखालफत करेंगे, हम झारखंड में आपकी मुखालफत करेंगे, हमारे वोट को टेक इन टू ग्रांटेड मत लीजिए। मैं खाली इतना कहना चाहता हूं कि ए जुनू कुछ तो खुले, ए जुनू कुछ तो खुले, आखिर मैं किस मंजिल में हूं, हूं दयारे यार में या कूचे कातिल में हूं। मैं असल में इस शेर की रोशनी में ही कुछ कहना चाहता था, अब मौका नहीं है और उसमें कोई वो भी नहीं है, इसलिए कि बैटरी ऑफ स्पीकर्स थी, उसमें एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है और 5 मिनट कहिए 15 मिनट लोग बोल करके गए। मेरा अपना मानना यह है, मैं जब आपने जज्बा शौक मेरा तुमने उभारा क्यों था, मुझसे नफरत थी अगर मुझको पुकारा क्यों था, तो इसलिए दो एक बात कह के जरूर मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। अदीब भाई आपकी वो सबने कहा कि बड़ा भारी काम, वो हम भी कह रहे हैं, हम तो आपके साथ जुड़े हुए हैं और हमारा मामला है कि हाथी के पांव में सबका पांव वाला है, तो वो तो छोड़िए, वो तो आप हैं और आप हैं और अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आपकी क़यादत में हम लोग काम करें, वो अपनी जगह पर। आपका बयान आज कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इनकलाब में, आज उसकी रिपोर्टिंग मैंने देखी सुबह सुबह, बहुत अच्छी बात आपने कही कि चुनाव गुजर गया और चुनाव के गुजरने के बाद भी मुसलमानों के इश्यूज उठाने में नाम लेने में डरते हैं। मेरा अपना कहना यह है कि जो आज ये यहां पर, वो ठीक है कॉन्फ्रेंस होती है, लोग बोलते हैं, उसका एक मैसेज जाता है, वो काम मुकम्मल हो गया, वो तो हो गया काम मुकम्मल, लेकिन डिस्कशन में जो ये मौजू है, मौजू पे शायद ही 10% डिस्कशन रहा हो मैक्सिमम। आलम साहब क्या सूरत हाल है और क्या लाह अमल? सूरत हाल सबको पता है, लाह अमल क्या है? चुनाव के बाद आप कर रहे हैं ये, तो चुनाव में क्या हुआ आपको पता है? ये पुकार सारे जहां में थी, लोसहर हुई लोसहर हुई, बड़े खुश हैं हम लोग भी खुश हैं कि 303 से 240 आ गए, हम खुश तो हैं यकीनन है, 63 घट गए, लंगड़ी सरकार बन गई, लेकिन लगना चलेगा 5 साल, मेरा मानना यह है, खैर छोड़िए उसको, अल्लाह कह रहे कि बसा की छटके, मेरा मुझे जादू आता तो मैं यूं जादू करके छटका देता, लेकिन ये पुकार सारे जहां में थी। अदीप भाई नहीं नहीं मैं बस ये पुकार सारे जहां में थी, लोसहर हुई लोसहर हुई, मेरे आशियां से धुआं उठा तो मुझे भी इसकी खबर हुई, लिंचिंग हो गई सहारनपुर में, लिंचिंग हो गई अलीगढ़ में, लिंचिंग हो गई मध्य प्रदेश में, जातियां हो रही हैं, बुलडोजर चल गए लखनऊ के अंदर। जिनको आपने वोट दिया किसकी जबान खुली, किसकी जबान खुली? किसी मामूली वर्कर के बोलने से कुछ नहीं होता। अखिलेश बोले नहीं, राहुल गांधी बोले नहीं। मुसलमानों से दूरी बनाने के लिए साय तक से आपने परहेज किया, आपके मैनिफेस्टो में कहीं तस्करा नहीं आया, अकलियत का लफ्ज नहीं आया। अगर मेरी पार्टी की सरकार बनेगी तो कल मैं अग्निवीर योजना खत्म कर दूंगा,
यूनिफॉर्म सिविल कोड पे कुछ नहीं बोले क्योंकि हमारा साया न दिखाई पड़े, इसलिए नहीं बोले, सीए पे नहीं बोले। वो तो कहते रहे डकार करके आएंगे तो नाफिस करेंगे। आज भी हम खुश हैं। एक बात जान लीजिए, तकदीर के काजी का फतवा है हजर से है जुल्म ज़ईशी की सजा मर के मुफाजात। और हमारे हिंदू भाई भी यहां हैं, बिना मानत जलत ही जड़ गए। तीन दिन बीत, बोले राम सकोप तब लक्ष्मण बाण सिधारिये बिन भय होत न प्रीत। एक तस्कर आया था हमारे एक मेंबर पार्लियामेंट कह के गई। मैं अपनी बात खत्म करता हूं, मुझे वक्त का पूरा एहसास है कि हमारे वोट के रेलवेस का पता चल गया, हमने ये कर दिखाया। मैं इससे पूरी तरह इख्तलाफ करता हूं। अभी तक मुलायम सिंह ये कहते थे कि मुसलमान जाएगा कहां, ये बात लालू प्रसाद कहते थे कि मुसलमान जाएगा कहां, अब कांग्रेसी भी ये कह रहे हैं कि मुसलमान जाएगा कहां। इनकी परवाह कौन करता है? आपको खौफ पैदा करना पड़ेगा। हम काले चोर को देंगे, तुम्हें नहीं देंगे। बीजेपी हमको गोलियां नहीं मरवा देंगी। बीजेपी जो कर सकती है, जो उसकी सरकार हमारे खिलाफ कर सकती है, जो जहर उगल सकती है, जो ज्यादतियां कर सकती है कर रही है, हमको खड़े होकर गोली मरवा देंगे। एक बार खौफ और हरास माफ कीजिएगा, दुआओं से सर पैदा न होगी, जरूरत है मुजाहिद की अजा की। अरे मौलवी हजरत माफ कीजिएगा, अभी कम मत कीजिए, अभी मत कीजिए, अभी मत कीजिए। डर और खौफ का माहौल हमने पैदा किया है। बहुत लंबी बात करनी चाहिए लेकिन मौका नहीं है आनंद साहब। हमको खौफ पैदा करना पड़ेगा कि टेकन उनको ग्रांटेड हमारे वोट को न ले। अदीप भाई यहां तशरीफ फरमा है, अदीप भाई ने एक बड़ा फैसला किया था कि हम नोटा पे वोट देंगे। पिछले चुनाव यूपी का हो रहा था, ऐलान कर दिया था। मैंने कहा अदीप भाई आपकी बात को मैं सही समझता हूं सर आंखों पर, लेकिन मेरा ख्याल में शायद ये ऐलान एक बैक हो गया है और पूरे सबसे मिलके बात करके और माहौल बना के करना चाहिए था और लोगों ने शायद बात की होगी। अदीप भाई ने उस बात को किया, फिर अदीप भाई ने एक दूसरी कॉन्फ्रेंस करके वीडियो डाल करके वहां से किया। मेरा अपना ख्याल यह है कि हमको यह बताना पड़ेगा कि हमारे इश्यूज के लिए अगर आप नहीं बोलेंगे तो हम हरियाणा में आपकी मुखालफत करेंगे, हम महाराष्ट्र में आपकी मुखालफत करेंगे, हम झारखंड में आपकी मुखालफत करेंगे। हमारे वोट को टेक इन टू ग्रांटेड मत लीजिए, यह बात करनी पड़ेगी आपको। हमारा हिस्सा यह बात सही है, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। यह बात सही है कि जब टिकट दिया जाता है तो जो पहली प्रायोरिटी होती है कौन जीत सकता है, उसमें थोड़ा मोड़ा बेईमानी भी होती है। गुंडे बसवा से चोर उचक्कों स्मगलर को इसीलिए टिकट दिया जाता है कि वोट खरीदा जाता है, वोट बिकता है, ये काम कर लेंगे इसलिए उनको दिया जाता है। इसलिए आपने कम टिकट दिए, 59 सीटें लड़े आप यूपी के अंदर, 4 सलमान को दिया था, 5वां भी तो जीत सकता था, सिटिंग एमपी था, मुरादाबाद से टिकट काट दिया आपने। कितना हिस्सा होता है? एक यादव, 2 मुसलमान, इस बुनियाद पर आपकी पार्टी खड़ी है। हमारा हिस्सा कितना है? इलेक्शन लड़ने की बात तो छोड़ दीजिए, सवाल यह पैदा होता है, इलेक्शन खत्म हो गया, वोट की बात खत्म हो गई, हमारे कितने प्रेसिडेंट हैं, ऑर्गेनाइजेशन में हमारा क्या हिस्सा है, एमएलसी में हमारे कितने जाएंगे। आप कहते तो हैं कि पार्टी के अंदर लड़िए, हम पीछे खड़े तो हो। मैं अपनी बात खत्म करता हूं ये कहते हुए कि आज अगर खामोश रहे तो कल सन्नाटा छाएगा, हर बस्ती में आग लगेगी, हर बस्ती जल जाएगी, सन्नाटे के पीछे से तब एक सदा ये आएगी, कोई नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं है। शुक्रिया।